इन ए 1000 मीटर रेस अर्जुन बालाजी एंड चरण आर रनिंग. अर्जुन बीट्स बालाजी बाई 100 मीटर एंड बालाजी बीट्स चरण बाई 100 मीटर. इन द नेक्स्ट 1000 मीटर रेस द स्पीड्स आर द सेम एज इन प्रीवियस. बालाजी गिव्स चरण हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड अर्जुन गिव्स बालाजी हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बाई विच विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम. पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको सही तरीके से आप लिखो. कह रहा है कि अगर 1000 मीटर का रेस है, अर्जुन किसको बीट कर रहा है, बालाजी को. इट मीन्स अगर अर्जुन 1000 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो बालाजी कितना ट्रेवल करेगा बच्चों, वो ट्रेवल करेगा 900 मीटर. तभी तो ये 100 मीटर से हार जाएगा. दैट इंप्लाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, वो सिंपली आप लिख सकते हो कि अगर अर्जुन 10 ट्रेवल कर रहा है तो बालाजी कितना ट्रेवल करेगा, 9. ये क्लियर है. नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर बालाजी और चरण 1000 मीटर का रेस लगाएंगे तो बालाजी कितना ट्रेवल करेगा. अगर ये 1000 मीटर ट्रेवल करता है तो उस केस में चरण कितना ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा 900 मीटर. तभी तो ये 100 मीटर से हार जाएगा. तो इस केस में बालाजी अगर 10 ट्रेवल कर रहा है तो चरण कितना ट्रेवल करेगा, 9 ट्रेवल करेगा. ये क्लियर है. तो अगर हमको एबीसी का रिलेशन निकालना है तो यहां पे बी का वैल्यू 9 है और यहां पे बी का वैल्यू 10 है. तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अपन को क्या मिल जाएगा, यहां पे अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा 100. तो बी कितना ट्रेवल करेगा, यहां से 10 इंटू 9 तो 90. इस पूरे एक्सप्रेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो बी कितना ट्रेवल करेगा, अगेन 90. तो उस केस में सी कितना ट्रेवल करेगा, 9 इंटू 9 तो 81. तो हमें ए बी सी का कोरिलेशन मिल गया कि अगर बी 90 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो ए 100 मीटर ट्रेवल करेगा और सी 81 मीटर ट्रेवल करेगा. तो सेम टाइम में ये डिस्टेंस का रिलेशन है. तो अज्यूम कर लेते कि ए किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 100 से और बी 90 से और सी 81 से. ये क्लियर है. नाउ जो सेकेंड केस है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट केस है. कह रहा है कि नेक्स्ट 1000 मीटर का रेस है जिसमें तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये क्लियर है. यहां पे एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है. कह रहा है कि बालाजी गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड अर्जुन गिव्स बालाजी अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर. इसका क्या मतलब है कि अर्जुन तो पूरा कितना ट्रेवल करेगा, अर्जुन तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और 1000 मीटर तक ट्रेवल करेगा, लेकिन वो बालाजी को बोलेगा कि आपको कितना ट्रेवल कर रहा है, आप 100 मीटर आगे से ट्रेवल करना है, हेड स्टार्ट करो, तो आप 100 मीटर आगे चले जाओ, उसके बाद रेस में पार्टिसिपेट करो. दैट इंप्लाई बालाजी को कितना ट्रेवल करना है, बालाजी को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो सिंपली 900 मीटर ही ट्रेवल करना है. क्वेश्चन में फर्दर आगे कह रहा है कि बालाजी गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू किसको, चरण को. तो यहां से बालाजी चरण को बोलेगा कि आपको ये 900 मीटर ट्रेवल नहीं करना है, मैं आपको फर्दर 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा हूं, मेरे से आप 100 मीटर आगे चले जाओ. दैट इंप्लाई आपको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो ट्रेवल करना है बच्चों सिंपली 800 मीटर. क्लियर है. और ये रहा आपका स्टार्टिंग से लेकर और एंड पॉइंट. दैट इंप्लाई ए को कितना ट्रेवल कर रहा है, ए को ट्रेवल करना है 1000 मीटर, बी को ट्रेवल करना है 900 मीटर और सी को ट्रेवल करना है, सी बोले तो चरण, उसको ट्रेवल करना है 800 मीटर. ये क्लियर है. नाउ अगर मैं टाइम की बात करूं तो सी को कितना टाइम लगेगा, सी को टाइम लगेगा 800 डिवाइडेड बाय 81. बी को कितना टाइम लगेगा, बी को टाइम लगेगा बच्चों सिंपली 900 डिवाइडेड बाय 90. और ए को कितना टाइम लगेगा, ए को टाइम लगेगा सिंपली 1000 डिवाइडेड बाय 100. तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो यहां पे टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए ए और बी को कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड्स लग रहा है. क्लियर है. लेकिन सी कितने टाइम में पहुंच जा रहा है, वो 800 बाई 81 सेकंड्स में ही पहुंच जा रहा है अपने टारगेट पॉइंट पे, जो रेस का एंड पॉइंट था. नाउ इसको आप डिवाइड करोगे तो 81 से इसको डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगा 9.87. ये क्लियर है. मैं डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लेकर चल रहे हैं. ये क्लियर है. दैट इंप्लाई सी 10 सेकंड से कम टाइम में ही अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा. ये क्लियर है. क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस बाई विच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम. दैट इंप्लाई जो विनर है वो और
जस्ट बिहाइंड हिम, जो उससे जस्ट पीछे है, जो सेकेंड पोजिशन पे आया है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर ए को 9.87 सेकंड्स दोगे तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए ट्रेवल करेगा 9.87 इंटू 100, दैट इंप्लाई 987 मीटर ट्रेवल करेगा। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 987 मीटर। नाउ अब हम बी की बात करते हैं, तो बी का स्पीड कितना था, बी का स्पीड है बच्चों 90 मीटर पर सेकंड, हमने अज्यूम करा था 90 मीटर पर सेकंड, और इस ये कितनी देर तक ट्रेवल करेगा, इसको उतना ही टाइम मिलेगा जितने टाइम में सी जीत जाएगा, यानी 9.87। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 9.87 बच्चे, तो ये सिंपली कुछ नहीं होगा, ये होगा 98.7 इंटू 9, तो ये आएगा बच्चों 888.3। नाउ बी तो यहां से 100 मीटर आगे चला गया था, तो टोटल बी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे गया होगा, टोटल रेस तो 1000 मीटर का था और ये ट्रेवल किया है 888.3, तो ये टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे जाएगा, इसमें आप ऐड कर दोगे 100, दैट इंप्लाई ये 988.3 मीटर आगे रहेगा, ये क्लियर है। और सी तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो आपसे पूछता है कि द पर्सन हु जस्ट बिहाइंड द विनर, तो सी और बी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना था 1000 मीटर का, तो 1000 माइनस आप क्या कर दोगे, ये करोगे 988.3, ये क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो ये वैल्यू रफली कितना आएगा, ये आएगा 11.7 मीटर, ये क्लियर है। क्वेश्चन में इसका आंसर 20 गिवन है, वो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन के बाद गिवन होगा, ये क्लियर है। जब 9.8 के बदले 7 के बदले हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे और फर्दर उसमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11.7 मीटर होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।